नमस्ते भाइयों, मैं हूँ स्मित चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मित ऑटो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड हैंड बाइक को लेने के बारे में। तो सेकंड हैंड बाइक लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, जो आउटडोर में से जो चेक करना चाहिए उसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, तो इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको चला के किस प्रकार से चेक करेंगे, तो आज हम इसको चलाएंगे और किस किस प्रकार से आपको टेस्ट करके देखना है, तो वो सब कुछ आप देखते रहिए, आगे वीडियो में बने रहिए। बाइक के पे बैठते ही सबसे पहले आपको उसकी सीट देख लेनी है। उसकी सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो फटी हुई कि वो नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको देख लेना है। अगर छोटी मोटी खरोच है वो सब आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो सब कुछ कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको पहले देखना है इसकी MID। तो आपको इस प्रकार से स्टार्ट करके कि MID चेक कर लेनी है कि कहीं से उड़ी हुई नहीं और सब कुछ स्टार्ट है कि नहीं, वो सब कुछ आपको देख लेना है। सिंपली बाद में आपको एक बार इसको कर देना है स्टार्ट और इसकी साउंड सुन लेनी है। तो इस प्रकार से किल स्विच और ये सब कुछ चेक करना है आपको। इस प्रकार से स्टार्ट करनी है, इस प्रकार से आपको लाइट्स वाइट सब कुछ आगे जाके देख लेनी है। आगे किसी दूसरे आपको बाइक को दिखाना है कि ये सब कुछ लाइट वाइट डिपर बिपर सब कुछ दे रही है कि नहीं, वो सब कुछ आपको देख लेना है। यहाँ की सारी लाइट्स भी देख लेनी है, इस प्रकार से स्टैंड की लाइट वो सब कुछ MID में भी चेक करते रहना है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, किल स्विच भी चेक करनी है। इस प्रकार से बंद हो रही है, इस प्रकार से स्टार्ट हो रही है, सब कुछ आपको इसमें देख लेना है। तो अब भाई हम थोड़ा सा चला के दिखाते कि आप चलाते चलाते क्या क्या चेक करना है। अभी थोड़ी सी हम रोड पे लेके जाते हैं पहले इसको। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है या रोड पे आपको थोड़े से खड्डे पड्डे मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि इसको खड्डों में थोड़ी सी जोर से कूदा के इस प्रकार से देखनी है। अगर सस्पेंशन में कोई आवाज़ आए तो वो बाइक आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सस्पेंशन में आपको बहुत ही बड़ा खर्चा मिल जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है, तो आपको सस्पेंशन का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अब क्या करना है आपको, सिंपली थोड़ा सा इस प्रकार से रेस देके देखना है कि कोई ज़्यादा से आवाज़ तो नहीं बन रही बाइक के अलावा। इस प्रकार से थोड़ा सा ज़्यादा से रेस देके देखना है। हॉर्न भी आपको एक बार चेक कर लेना है, जो कि हॉर्न तो बिगड़ा हुआ होगा फिर भी आपको नॉर्मली सस्ते में मिल जाता है हॉर्न की, वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इसको मेन आपको चला के देखना है कि वो उसकी हैंडलिंग कैसी है, स्टीयरिंग बेयरिंग सब कुछ स्ट्रेट है कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि स्टीयरिंग बेयरिंग थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो उसको स्ट्रेट कर लेना है। फिर आपको क्या चेक करना है, इसकी पिकअप को चेक कर लेना है। अपने नॉर्मली वो जो बाइक लेने जा रहे हैं उसकी सारी आपने डिटेल तो ले ही होगी, तो अगर वो बाइक की थोड़ी सी पिकअप आपको अंदाजा तो होगा कि वो बाइक भागने में किस प्रकार से रहती है, तो इसकी पिकअप थोड़ी सी चेक कर लेनी है आपको इस प्रकार से। जब भाई आप पिकअप और सब कुछ चेक कर ले, उसके बाद क्या करना है आपको, इसकी ब्रेकिंग को चेक करना है। ब्रेकिंग में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ब्रेक पेड्स घिसे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो और उसका वो अच्छा खासा पैसा मांग रहा है, तो भाई वो सभी चीज़ें आपको मैटर करनी चाहिए। एक इसके ब्रेक्स और सब कुछ वो घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको ब्रेकिंग कैसे चेक करनी है, तो आपको थोड़ी सी स्पीड लेनी है, उसके बाद एक एक अलग अलग ब्रेक्स को आपको दबा के देखना है। पहली बार आपको पिछले ब्रेक को दबा के दिखा, तो अगली बार आपको, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों को देखना है, पिछले वाले को देखना है उसके बाद आगे वाले देखना है। आपको कंडीशन का अंदाजा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ब्रेक्स की कंडीशन कैसी है उसका अंदाजा आपको मिल जाता है। अगर आप चला के ब्रेकिंग सब कुछ देखते हो तो उसका अंदाजा आपको हो जाता है। इस प्रकार से आपको चला के सभी चीज़ें चेक कर लेनी है, इसके इंजन टायर बार ब्रेकिंग बच्चू सब कुछ आपको चेक कर लेना है इसके अंदर। और इसके बाद जो आपको अगर उसकी कंडीशन और प्राइजिंग के साथ आपको मैच कर रहा है तो ही आपको वो सेकेंड हैंड बाइक लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको सेकेंड हैंड बाइक बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए। तो बस भाइयों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए आपको वीडियो बना के दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।